पिछला खबर आप देखे होंगे कि रनिया क्षेत्र के जयपुर की रहने वाली अर्चना कंडोलना को बेरहमी से हत्या किया गया है। इनका शरीर का अलग अलग टुकड़ा करके अलग अलग कुआं में डाला गया है। हालांकि इसके बारे में इसकी मां ने क्या कुछ कहा है ये भी आप देखे होंगे। आगे मैं आप सब को विस्तार से बता दूँ कि अर्चना कंडोलना का हत्यारा एहसान मिर्दाहा, इनको बादल छोटू नाम से भी जाना जाता है, इनके पिता जाहिर मिर्दाहा है। ये गुमला थाना के फेरी गांव का रहने वाला है। गुमला पुलिस अधीक्षक के द्वारा गठित एसआईटी टीम के द्वारा हत्यारा को हथियार के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दिनांक 5 दिसंबर को जो है सूचना मिली थी कि फोरी गांव जो गुमला थाना अंतर्गत पड़ता है उस गांव में एक जो कुआं है वहां से कुछ अलग टाइप की कुछ स्मेल आ रही थी। उसी के क्रम में जो है पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक कुएं में जो है एक बॉडी पड़ी हुई है जिसका सर नहीं है। उसको निकाला गया और आसपास जब सर्च किया गया एरिया को तो वहां आस पास में ही लगभग 100 मीटर दूरी पर और एक कुआं था जहां से उस बॉडी का हेड बरामद हुआ। तो लगभग आज 9 तारीख है तो पिछले 4 दिन से लगभग जो है लगातार निरंतर जो है हमारे एसडीपीओ गुमला के नेतृत्व में एक टीम जो थी एसआईटी टीम वो निरंतर जो है प्रयास कर रही थी इस कांड का उद्भेदन करने का और जो भी इसमें साक्ष्य बरामद कर सकते हैं उसका। तो इसी के इन्वेस्टिगेशन में जो है वहां पे जब घटनास्थल से पहले जो बॉडी बरामद हुई वहां से एक बैग भी बरामद हुआ था उसमें जो है जो मृतिका थी उनका आधार कार्ड था, उसके आधार पर उसकी पहचान हुई, उसी के आधार पर उसके परिजनों से संपर्क किया गया और परिजनों से संपर्क करने के बाद उनके आवेदन के आधार पर जो है गुमला थाना कांड संख्या 412/2023 दर्ज किया गया है। इसमें जो है आप देखिएगा बहुत ही तकनीकी तरीके से बहुत साइंटिफिकली इसमें इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन किया गया है। इसमें एफएसएल की टीम भी यूज हुई है जो कि जिन्होंने एविडेंस पीओ से डे जीरो से कलेक्ट किया है और इसमें जो है रांची से जो स्निफर डॉग की भी एक टीम यहां पर आई थी और उस टीम के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट हमें मतलब जो है उद्भेदन में बहुत इम्पोर्टेंट क्लूज उसने हमें प्रदान किए, लीड प्रदान की जिसके कारण टाइम से उद्भेदन हो पाया और उद्भेदन के बाद ये पता चला कि जो उसी गांव का एक रहने वाला एहसान मिर्दाहा नाम का एक व्यक्ति है जिसका उर्फ नाम बादल उर्फ छोटू है, इनके पिता का नाम जहीर मिर्दाहा है, फोरी गांव का ही रहने वाला है। इसको उसी पूरी इन्वेस्टिगेशन के क्रम में जब पूरा डिटेक्ट हुआ तो उसको गिरफ्तार किया गया है, उनके द्वारा अपना अपराध भी स्वीकार किया गया है।